हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया से हैं और आपकी प्रिपरेशन एकदम टॉप क्लास चल रही है। देखिए, अभी अभी कुछ बच्चों की क्वेरी थी। मेंस का सेकंड सेशन का जो फॉर्म हो फिल करने वाले हो आप लोग, उसमें कुछ एड्रेस प्रूफ से रिलेटेड आप लोगों को क्वेरी आ रही थी कि एड्रेस प्रूफ का क्या करना है, कौन कौन से एड्रेस प्रूफ एलिजिबल है कि आप उनको सबमिट कर सकते हो। तो उसी की रिगार्डिंग यहाँ पे आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। देखिए, फॉर्म भरने का जो स्टेप बाय स्टेप मेथड है, हमारे चैनल पे ये एक वीडियो पहले भी आ चुका है जब फर्स्ट सेशन का फॉर्म भरा जा रहा था। अभी इसमें भी मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग करने का एक लगभग आइडिया दे दिया और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, जहां से एड्रेस प्रूफ का जो सॉल्यूशन है, जो आपकी क्वेरी है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। चलिए, तो जब आप फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप उसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी आपको दिखेगी। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जेई मेन सेशन 2023 के लिए आप अप्लाई करने वाले हो, तो आप इसमें क्लिक करोगे, आपको एक डिक्लेरेशन आएगा, आप ओके करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें समझना है। देखिए, जनवरी में सेशन वन का एग्जाम हो चुका है, जनवरी में सेशन वन का एक एग्जाम हो गया। तो जिन बच्चों ने सेशन वन में फॉर्म भरा था या सेशन वन में अपियर हुए हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर एंड करस्पोंडिंग पासवर्ड मिल गया होगा भाई, ठीक है। तो वो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का यूज करके यहाँ पे लॉगिन करेंगे, उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे बच्चे जो पहली बार ही फॉर्म भर रहे हैं या सेशन टू में ही अपियर होने जा रहे हैं, उनके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। इस बात को क्लियरली समझ लेंगे जो बच्चे सेशन वन में अपियर हो चुके हैं, क्योंकि अगर आपने फिर से री रजिस्ट्रेशन किया, आपने अगर पहली बार भी आपने रजिस्ट्रेशन किया था और दोबारा रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपके पेपर देने का कोई मतलब नहीं है। तो ये दो बातें क्लियर हो रही है। न्यू बच्चे, जो नए बच्चे हैं, पहली बार अपियर होने जा रहे हैं, उन्हें न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो बच्चे पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं पहले सेशन के लिए, ऑल्दो उन्होंने पेपर में पार्टिसिपेट किया या नहीं किया, उससे मतलब नहीं है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिला होगा, आपको उसका यूज करना है। यहाँ पे आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, सिक्योरिटी कोड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा एक पेज खुल जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है, अगर नए बच्चों रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ऐसे ही लॉगिन करना है, तो फिर अब यहाँ पे आपको तीन पेपर आपको मिलेंगे। एक, अगर आप सिर्फ बी और बी टेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पेपर वन करना है, अगर आप आर्किटेक्चर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो दोनों में क्लिक करना है, राइट। सेकंड पेपर देना है, तो यहाँ से आप अपना चूज कर सकते हो आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो। अब यहाँ पे एक ये पॉइंट देखें, ये सेशन आपको चूज कर लेना है, सेकंड सेशन। यहाँ पे देखिए भाई, ये यहाँ पे आपको वो जो एलिजिबिलिटी स्टेट है, यहाँ पे आप देखें, आपने जहां से ट्वेल्थ की है आपको यहाँ पे वो स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए, सपोज करिए आपका होम टाउन एमपी में है, आपका होम स्टेट मध्य प्रदेश है और आप तैयारी कर रहे हो किसी आउट ऑफ द स्टेट लाइक राजस्थान से, मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपने वहीं स्कूलिंग अगर की है ट्वेल्थ क्लास की, तो आपको यहाँ पे आपका होम स्टेट नहीं भरना है, यहाँ पे आपको कौन सा स्टेट डालना है, यहाँ पे आपको जहां से आपने ट्वेल्थ की है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको ट्वेल्थ जहां से आपने पास किया है वहां वाला डालना है, ठीक है। यहाँ पे आप मीडियम चूज कर लेंगे, और अगर आपने पहले अप्लाई कर लिया है तो फिर आपको यहाँ पे कुछ स्टेट आपके एग्जामिनेशन सेंटर देखेंगे, आप चाहें तो इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद आप देखते हैं, ये जो अपना पॉइंट है ना, यहाँ पे काफी बच्चों को काफी डाउट्स हो रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, दो तरह के एड्रेस मांगे हुए हैं। एक मांगा हुआ है आपका प्रेजेंट एड्रेस, जहां पे आप करेंटली हो, जहां पे आप एग्जामिनेशन सेंटर ले रहे हो या जहां आपकी प्रिपरेशन हो रही है, वो आपका करेंट एड्रेस होता है। और एक होता है आपका परमानेंट एड्रेस, जहां आपका नेटिव प्लेस है, जहां पे आपका होम टाउन है, जहां पे आपका घर है, राइट। तो अब दो बातें हो सकती है, या तो आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस क्या हो, सेम टू सेम हो। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आप आधार कार्ड को एज अ एड्रेस प्रूफ अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके दोनों एड्रेस अलग अलग है, अगर आपके दोनों एड्रेस क्या है बेटा, डिफरेंट है, तो परमानेंट एड्रेस के लिए आपको आधार कार्ड का यूज कर लेंगे आप परमानेंट एड्रेस के लिए। और करेंट एड्रेस के लिए आप ये दो तीन चीजें यूज कर सकते हो। पहला, अगर आप रेंट से रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट सबमिट कर सकते हो बनवा के, राइट, रेंट एग्रीमेंट कर सकते हो। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल की रिसिप्ट सबमिट कर सकते हो। और अगर आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ रह रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का यूज कर सकते हो। तो ये तीन चीजें, देखिए भाई मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है, पासपोर्ट दे सकते हो, वोटर आईडी दे सकते हो और आधार कार्ड दे सकते हो। कब आप दे सकते हो? एड्रेस प्रूफ में। लेकिन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप कोई भी एक प्रूफ लगा देंगे तो काम बन जाएगा। अगर आपके दोनों डिफरेंट है, यानी कि परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस डिफरेंट है, तो फिर आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, एक ही पेज में आप आधार कार्ड की फोटो स्कैन करके और जो दूसरा प्रूफ आप लगा रहे हो करेंट एड्रेस के लिए, दोनों को एक ही फाइल में आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। यहाँ पे बात समझ में आ रही है, आप इन तीनों चीजों का यूज कर सकते हैं अपने करेंट एड्रेस प्रूफ के लिए। एनटीए ने अभी ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई करके नहीं दिया हुआ है, तो आप इनके थ्रू जा सकते हो, और अगर कुछ ऐसा वो स्पेसिफाई करते हैं, कुछ अपडेट मिलती है, तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे,
और फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाले, सबमिट कर दे, राइट। तो कुछ ऐसा रहेगा, आई थिंक आपकी जितनी भी क्वेरीज थी परमानेंट एड्रेस और एड्रेस प्रूफ को लेकर के वो क्लियर हो गई होंगी, आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि आपको अपना फॉर्म किस तरह से फिल करना है, ठीक है।